हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज इस बारे में बात करना चाह रही थी कि अधिकतर ऐसा होता है कि हम जो लोग होते हैं सुबह से उठते ही घर के खाने पीने में, सफाई वगैरह इन सब में लग जाते हैं। पर दोस्तों, कभी आपने ये इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि हम जब 11 बजे 12 बजे जाकर नहाते हैं तब तक हम गंदे घूमते रहते हैं। तो गंदगी में तो कोई भी आना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो साफ़ सुथरे घर में जाए, साफ़ सुथरे लोगों के पास जाए। मैं इसी संदर्भ में आपसे एक पौराणिक कथा के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के कहने पर विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था और उन्होंने हिरण्यकश्यप का संहार किया था। नरसिंह अवतार उन्होंने ले तो लिया, पर उनको इतना तेज़ गुस्सा चढ़ा हुआ था, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके लिए क्या किया जाए, सारे देवता सब किसी तरीके से उनको शांत करने में लगे हुए थे पर वो शांत नहीं हो रहे थे। क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर सबने मिलकर सोचा कि चलो हम लक्ष्मी जी को बुला कर लेकर आते हैं, वो उनकी पत्नी हैं, उनके कहने पर तो वो शांत हो जाएंगे। तो गए, लक्ष्मी जी को लेकर आए। लक्ष्मी जी आईं और उन्होंने सामने नरसिंह अवतार में इतना रौद्र रूप भगवान का कभी नहीं देखा और वो देखकर घबरा गईं और घबरा के वो वापस वैकुंठ चली गईं। उन्होंने कोई बात ही नहीं करी उनके नरसिंह अवतार वाले रूप से। उसके बाद में उनका गुस्सा शांत कर दिया गया, भक्त प्रहलाद को बुलाया गया क्योंकि वो उनका भक्त था। और ये तो कहा ही जाता है कि एक भगवान भक्त के अधीन होता है। तो भक्त प्रहलाद को बुलाया गया, भक्त प्रहलाद उनके समक्ष जब आकर खड़े हुए तो धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हुआ और वो वापस अपने रूप में आ गए और बैकुंठ धाम को गए। वहाँ गए तब लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, देखिए आप आज के बाद इतने किसी भी रौद्र रूप में मेरे समक्ष नहीं आएंगे, आपको मेरे सामने आना है अच्छे से सज धज के तैयार होके आइएगा क्योंकि ये रौद्र रूप मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। तो दोस्तों, बस मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि हमें सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। जैसे फिल्म टीवी सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं, हम सोचते हैं देखो सुबह से तैयार होकर घूम रही है, देखो इनके घर में इतनी प्रॉब्लम है फिर भी ये बिल्कुल तैयार होकर घूम रही है। उसका कारण यही है कि जिस जगह पर घर की लक्ष्मी लक्ष्मी की तरह तैयार होकर घूमेगी उस घर में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, आज से ध्यान रखिएगा, केवल लक्ष्मी ही नहीं, जो घर में विष्णु भगवान है मतलब कि जो आपके घर के मेल मेंबर हैं उनको भी सुबह पहले उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सी यू।